प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसराइल दौरे को लेकर फिलिस्तीन समेत कई अरब देशों में कूटनीतिक उठापटक तेज हो गई है, जिसके चलते भारतीय कूटनीति इसराइल फिलिस्तीन विवाद में फंस गई है। मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो इसराइल का दौरा कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है, पीएम मोदी वहां नहीं जाएंगे। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 50 साल का खूनी संघर्ष आज भी जारी है। जून 1967 में 6 दिन तक अरब इसराइल जंग हुई, जिसके बाद इसराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक, ईस्ट यरूशलम और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। भारत समेत दुनिया के तमाम देश फिलिस्तीन पर कब्जा करके यहूदी बस्ती बसाने के इसराइल के कदम की तीखी आलोचना करते आ रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी के इसराइल तक सीमित दौरे को भारतीय कूटनीति में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को लेकर इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव भी लाया जा चुका है, लेकिन उसको इस पर अमेरिका का साथ मिलता रहा है। हालांकि भारत ने हमेशा ही इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीन का समर्थन किया। अब सवाल भारत के इसराइल के करीब जाने का है। भारत पहला गैर अरब मुल्क है जिसने इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीन को मान्यता दी और राजनीतिक रिश्ते बनाए। हालांकि साल 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी पूर्ववर्ती सरकार से हटकर कदम उठाया और इसराइल को मान्यता दी। इसके बाद से भारत और इसराइल के रिश्ते परवान चढ़ते गए और अब भारत और इसराइल अपने रिश्तों की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। फिलहाल भारतीय अधिकारियों का मानना है कि भारत के इसराइल और फिलिस्तीन दोनों से घनिष्ठ रिश्ते हैं। मोदी के दौरे से दोनों देशों से रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इन सब के बावजूद मोदी के दौरे से ये बात तो साफ है कि अरब क्षेत्र को लेकर भारत की कूटनीति बदल रही है। टीम इंडिलिंक्स।